इंजीनियर्स, आप लोगों ने ब्रिज के बीच में बियरिंग्स को तो देखा ही होगा और ये सोचा ही होगा कि यार आखिर ये इसका इस्तेमाल क्या होता है। आज इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखना है आप लोगों को ये वीडियो। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि ब्रिज में बियरिंग्स क्या होती है, इनका काम क्या होता है और कितने तरह की बियरिंग हम लोग यूज करते हैं हमारे ब्रिज में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा डेस्क स्लैब है, ठीक है, ये हमारा पायर है, ये हमारा पायर कैप है और इनके बीच में जो है हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, बियरिंग्स प्रोवाइड करना पड़ता है। ऐसा क्यों? बियरिंग्स का एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ एक ही काम होता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करना। शॉक्स हमारे ब्रिज में अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल आ जाए या वर्टिकल आ जाए, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के बियरिंग्स का यूज करते हैं। अब शॉक एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है, जैसे कि समझ लीजिए आपकी एक बाइक है, उसमें शॉक अप्स होते हैं, उन सस्पेंशन को मैं हटा दूं तो क्या होगा, एक ब्रेकर के बाद आपकी गाड़ी के पुर्जे अलग हो जाएगी। इसलिए हम लोग शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं हमारे ब्रिज में भी। जैसे ही लोड हमारा डेस्क स्लैब से पियर कैप के ऊपर डायरेक्टली आएगा बिना किसी तरह का शॉक एब्जॉर्बर लगाए हुए, तो क्या हो जाएगा, ब्रिज डिफेक्ट हो सकता है, ब्रिज में क्रैक्स आ सकती है, ब्रिज डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है इसके बीच में बियरिंग्स लगाते हैं। अब बियरिंग्स लगाए कहां जाते हैं, इसे डिटेल में आप लोग समझिए। हमारा जो डेस्क स्लैब होता है वहां पर उसके बीच में एक पेडेस्टियल लगाया जाता है, छोटा पेडेस्टियल, और हमारा जो पायर कैप होता है उसके ऊपर भी एक पेडेस्टियल होता है। उन दोनों पेडेस्टियल के बीच में जो है हम लोग बियरिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने तरह की आखिर बियरिंग्स होती है। तो चलिए थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं कि आखिर बियरिंग्स को कहां लगाया जाता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये पेडेस्टियल है और ये ऊपर में भी एक छोटा पेडेस्टियल है, इसके बीच में आप लोगों को ये बियरिंग्स प्रोवाइड किए हुए दिख रहे होंगे। तो ऐसे ही बियरिंग्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे ये दोनों पेडेस्टियल के बीच में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कितने तरह की हमारी बियरिंग्स होती है। तो देखते हैं, सबसे पहली जो हमारी बियरिंग है वो होती है स्लाइडिंग बियरिंग। स्लाइडिंग बियरिंग का काम क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं ब्रिजेस में वो इसे अलाउ करती है, उसे ये सेफली होने देती है, बिना किसी तरह का डैमेज किए ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने देती है हमारे ब्रिज में या फिर फ्लाईओवर में। अगली बियरिंग है हमारी रॉकर बियरिंग। ये हर तरह का मूवमेंट जो है वो मूवमेंट अलाउ करती है हमारे किसमें, ब्रिज में या फ्लाईओवर में। इसके बाद जो अगली बियरिंग है वो है हमारी रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग जो होती है वो सिर्फ हमारे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ करती है, आसानी से होने देती है और वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करती है हमारे कहां से, डेस्क स्लैब से लेके पियर कैप में। इसके बाद जो है हमारी वो है इलास्टोमेरिक बियरिंग, सबसे ज्यादा फेमस बियरिंग, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाली बियरिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इलास्टोमेरिक बियरिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग शुरू की है या नहीं की है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। स्टार्ट योर प्रोफेशनल जर्नी, कॉप्स फॉर बिल्डिंग और कॉप्स फॉर हाईवे, आप लोगों को आज ही पढ़ना शुरू करना है तभी आप लोग किसी एक मुकाम पर पहुंच पाओगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग जॉब कर रहे हो यार, आपके पास टाइम नहीं है, तो बिल्कुल आप कॉप्स फॉर बिल्डिंग या कॉप्स फॉर हाईवे में आ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग अपने लाइफ के 2 महीने दे सकते हो, आप फ्रेशर हो, अभी आपके पास टाइम है, तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जो कि हमारी CTC ट्रेनिंग है, जो आप लोगों को 2 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारी ये सारी 18 ब्रांचेस में जो है ये अवेलेबल है, तो आपके पास जो नियरेस्ट ब्रांच है वहां का आप लोग प्लान आउट कीजिए और अभी कॉल कीजिए 9111001234 पर। तो चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं, रोलर बियरिंग के बारे में। रोलर बियरिंग की मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख रखी है यहां पर, देखिए, द बियरिंग कंसिस्ट ऑफ रोलर्स और स्फीयर्स दैट आर प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स। यहां पर आप लोगों को 2 प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी, ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो है हम लोग रोलर को लगाते हैं। दे अलाउ फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ ब्रिज एंड कैन ऑल्सो हैंडल वर्टिकल लोड्स। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा रोलर बियरिंग होती है ये इस तरीके के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसे अलाउ करेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और अगर मैं वर्टिकल लोड की बात करूं तो ये वर्टिकल मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी, ये वर्टिकल लोड ट्रांसफर करेगी कहां से, डेस्क स्लैब से लेकर कहां पर, पियर कैप पर। इसके बाद अगली बियरिंग जो है हमारी इलास्टोमेरिक बियरिंग, इसकी भी डेफिनेशन आप लोगों को याद कर लेनी है, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि ये सवाल आप लोगों के पास जरूर आए। दीज बियरिंग्स आर मेड अप ऑफ रबर, जैसे आप लोगों ने देखा, अगर इसकी इमेज देखो आप लोग तो ये रबर से इसका मटेरियल होता है और रबर टाइप एक मटेरियल होता है और अदर इलास्टोमेरिक मटेरियल्स दैट कैन डिफॉर्म अंडर लोड्स, ठीक है। दे प्रोवाइड गुड वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड कैन एकोमोडेट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। अब यहां पर उस रोलर बियरिंग से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ कर रही थी और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट्स को अलाउ कर रही है। जो हमारी अब ये रबर टाइप बियरिंग है तो ये क्या कर सकती है, अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का शॉक आए, अगर वाइब्रेशन हो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी ब्रिज पर रहते हैं और कोई हेवी व्हीकल वहां से पास होता है तो हमारा जो ब्रिज है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है,
तो ये सारे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल जो मूवमेंट है उसे भी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे भी खोने दे रहा है, और उसी के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स है उसे भी इलास्टोमेरिक बेयरिंग जो होती है उसे भी ये अलाउ करती है। तो एक तरीके से ये सबसे फेमस बेयरिंग है, इलास्टोमेरिक बेयरिंग सबसे ज्यादा यूज की जाती है, चाहे ब्रिजेस, फ्लाईओवर, कहीं पर भी हो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इलास्टोमेरिक बेयरिंग का। होप करता हूं इंजीनियर्स कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और ऐसे टेक्निकल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। लेकिन यार जाने से पहले आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ।